हेलो फ्रेंड्स, आप सभी ने जंगल बुक मूवी जरूर देखी होगी जिसमें काले चित्ते को दिखाया जाता है। वो तो सिर्फ काल्पनिक होता है लेकिन हकीकत में भी काले चित्ते मौजूद होते हैं जो लेपर्ड और जगुआर से काफी मिलते जुलते होते हैं। इसके बारे में सभी जगह पर कम जानकारी उपलब्ध है, इसी वजह से लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है। इसी वजह से आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं काले चीते के बारे में जो बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं वीडियो में ब्लैक पैंथर के बारे में। आपको पता होगा कि बिल्ली प्रजाति में बहुत सारे जानवर हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक इसी तरह से ब्लैक पैंथर भी बिल्ली प्रजाति का ही हिस्सा है, पर इसमें जगुआर, तेंदुआ और कुगर की भी गिनती होती है। जब भी हम ब्लैक पैंथर की बात करते हैं तो अमेरिका में ब्लैक जगुआर और एशिया और अफ्रीका में ब्लैक लेपर्ड को ब्लैक पैंथर कहा जाता है। ब्लैक पैंथर को देखना बहुत ही दुर्लभ माना जाता है और इसको काली त्वचा के कारण इसको ढूंढना भी काफी मुश्किल होता है। यह ज्यादातर रात को ही शिकार करता है जिसमें इसकी काली त्वचा बहुत ही काम आती है। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार यह कोई अलग प्रजाति नहीं है बल्कि जगुआर और तेंदुए की ही एक प्रजाति है, लेकिन स्थान और वातावरण के कारण उनकी स्किन का रंग ब्लैक हो गया है। अगर आप एक ब्लैक पैंथर को नजदीक से देखते हो तो उसके शरीर पर आपको पीले रंग के धब्बे दिखेंगे जो दूर से नहीं दिखते हैं। काला चित्ता एक शातिर शिकारी जानवर है जो 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। इसका वजन करीब 70 किलो का होता है। यह अपने शिकार को पकड़ने के लिए पेड़ पर से 20 फीट तक की लंबी छलांग लगाते हैं। यह बहुत ही अच्छे स्विमर माने जाते हैं। ब्लैक पैंथर अकेला ही रहना पसंद करता है और मैटिंग की सीजन में ही समूह में आते हैं और उसके बाद फिर से वापिस चले जाते हैं। सहवास के बाद मादा ब्लैक पैंथर 3 महीने में शावक को जन्म देती है। इसके देखने की और सूंघने की क्षमता बहुत ही तेज होती है जिसके कारण वो अपने शिकार को दूर से ही पहचान लेते हैं। ब्लैक पैंथर का औसतन जीवन काल 12 साल का होता है। ब्लैक पैंथर मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के गर्म और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। उसके अलावा वे मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिमी चीन, बर्मा, नेपाल, दक्षिण भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया के दक्षिण हिस्से में पाए जाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ब्लैक पैंथर के बारे में यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।